दिस इज मी हसन जामिन, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड बिजनेस कंसल्टेंट। बिजनेस कंसल्टेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर करके आपके फ्रंट पे आज मौजूद है। डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बहुत सारी चीज़ें करके आपके सामने मौजूद है। जीएस के ब्रांड के लिए मैं आज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा हक बनता है कि मैंने आज लॉरियल की शर्ट पहनी है। आज जीएसके को रखते हैं साइड में, नेक्स्ट वीडियो के ऊपर इंट्रो में ज़रूर बताऊंगा आपको इसके बारे में। लॉरियल का मैं थैंक्स कहता हूं कि मैंने इसके साथ अपने करियर का बहुत अच्छा टाइम और पोटेंशियल टाइम मैंने इस ब्रांड को दिया, जिसमें बहुत सारी लर्निंग्स ली, ट्रेनिंग्स दी, प्रेजेंटेशन दी, बहुत सारी चीज़ें की। अब उसी का रिफ्लेक्शन ये है कि आज इतना बड़ा एक्सपीरियंस लेके आपके सामने मौजूद हैं और आपके बिजनेस को 0/0 से लेकर एक ग्रोइंग पोजीशन तक ले जाके, एक सस्टेनेबल और एग्रेसिव पोजीशन पे ले जाके हम डेवलप करते हैं। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक आपकी क्यूरीज से मैंने निकाला है, आपके मैसेजेस से निकाला है। आपकी क्यूरीज आती हैं, आपके मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, उससे ये टॉपिक निकला है कि मुझसे पूछते हैं कि हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं लेकिन हमारी वीडियो वायरल नहीं होती, हमारी ये चीज़ें वायरल नहीं होती, हमारी वो चीज़ें वायरल नहीं होती, वो चीज़ें नहीं होती। हमें 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए। सबसे पहले तो मैं अब पिछली वीडियो में भी, GharanaZameen.com वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है डिजिटल, जिसमें ऑब्वियसली डिजिटल का पार्ट है सोशल मीडिया। अब डिजिटल हमारा ऐसा पार्ट है कि इसमें दिनों का गेम है। अगर आपका गेम उस प्लेटफॉर्म को समझ आ गया, आपकी कैटेगरी उसको समझ आ गई, आपकी क्रिएटिविटी अगर उसको समझ आ गई टेक्नोलॉजी को, तो आपकी वीडियो यहाँ से यहाँ उठ के जाती है। देयर इज नो नीड टू नंबर ऑफ वीडियोज, ना नंबर ऑफ वीडियोज पे नहीं जाएं, कंटेंट पे जरूर जाएं। कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका रिकॉर्डिंग भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर मुझसे ज़रूरी चीज़ पूछें, बहुत सारी चीज़ लोगों को बता देते हैं भाई, कंटेंट और आपकी कैटेगरी, और उस कैटेगरी में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपकी कैटेगरी कौन सी है उसके बारे में स्टडी करना, उसको उस कैटेगरी के हिसाब से डील करना, और उसी कैटेगरी के हिसाब से कंटिन्यूसली वीडियोज़, ग्राफी, कॉन्टेंट, फोटोज़ वगैरह होना, ये एक उस टेक्नोलॉजी को बिल्कुल 100% समझ में आता है। पहले इसकी छोटी सी मिसाल दूं, टिकटॉक पे हम वीडियोस देखते थे तो उसका जो देखने का रेशियो है और सिंक करके दोबारा आपको डेटा उसी के मुताबिक वीडियोस देना और आपके फॉर यू पे, आपके फ्रंट पे देना, काफ़ी दिन लगाता था। वीकली बेसिस पर ये सिस्टम काम करता था। लेकिन अब आप प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा इस चीज़ को। मैंने बड़ा स्टडी किया इस पर। अभी राइट नाउ 2023 में बड़ी इनोवेशन आई है इस प्लेटफॉर्म पर कि जब भी आप टिकटॉक पे कोई भी वीडियो अगर लाइक करते हैं तो उसी का सिमिलर जो है आपका वेरी नेक्स्ट सेकंड स्लाइड आपकी आ जाती है उसी सिमिलर कंटेंट के साथ। मींस कि आपने कॉमेडी किया तो एक छोड़ के दूसरी स्लाइड पे आपको कॉमेडी मिलेगा। अगर किसी गर्ल्स की डांसिंग वीडियो आपने जो है वो क्लिक की और उसको देखा तो सेकेंड, वेरी नेक्स्ट सेकेंड जो है आपकी वीडियो वही होगी जो आपने क्लिक किया, जिसमें इंटरेस्ट शो किया। इंटरेस्ट शो करने का जो सिंक्रोनाइजेशन थी वो बहुत डिले होती थी, बहुत ज़्यादा डिले होती थी, 1-2 हफ्ते लग जाते थे उसमें। अच्छा, मज़े की बात एक और चीज़ बताऊं, कॉन्टैक्ट सिंक का ऑप्शन आप आज खोलें, विद इन 9 सेकेंड आपके पास उसी कॉन्टैक्ट के जो है ना लोग आपके पास सिंक हो जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट ट्रैक पे चली गई है, लेकिन हमारा काम फास्ट ट्रैक पे नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा मैं बताता हूं। उसकी वजह ये है कि हमारा एक सिमिलर कंटेंट नहीं है कंटिन्यूसली जो हम डालते हैं, और हमारी कैटेगरी डिफाइंड नहीं होती। ये 2 चीज़ें आप कर लें, आपकी वीडियो वायरल ना हो, या आपका कंटेंट सही से प्रेजेंटेबल ना हो, या सिंक सिस्टम में ना करे, तो मैं उसका जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं, मेरी कुछ दिनों की बनाई हुई टिकटॉक की वीडियोज़ जो ना आज हर दूसरी वीडियो मेरी वायरल हो रही है रात में जाकर, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वर्किंग की है मैंने, एनालिसिस निकाले, रिसर्चेस निकाली हैं। अगर वो आप जानना चाहते हैं आप भी, तो ज़रूर 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 मुझे बताइएगा। लेकिन मेरा टॉपिक अगेन वही है कि अपनी कैटेगरी को, अपने कंटेंट को कंसिस्टेंसी के साथ अपलोड करते रहे, प्रॉपरली अपलोड करते रहें। ये तमाम चीज़ें जो है फेसबुक अपने टर्म्स एंड कंडीशन और अपनी डिटेलिंग में देता है, लेकिन हमें मसला ये है कि हमें फुर्सत नहीं मिलती बहुत सारी चीज़ों से कि हम उसको स्टडी करें। ये तमाम चीज़ें जो हम बताते हैं ना आपको, ये तमाम की तमाम चीज़ें फेसबुक ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड की हुई हैं, लेकिन हमें फिर भी
अपने क्रिएटर्स की जो वीडियोस बनाते लोग या फिर सजेस्टेड लोग हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, जस्ट बिकॉज ऑफ के लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक और चीज़ है मज़े की बात कि लैंग्वेज का भी नहीं है भाई, आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बात दरअसल ये है कि हम स्टडी नहीं करना चाहते, पढ़ के नहीं आना चाहते, ये थोड़ी सी हमारे खामियाँ हैं, चीज़ें हैं। अदरवाइज़ ये सारा कॉन्टेंट जो हम बता रहे होते हैं या चीज़ें कर रहे होते हैं वो पूरा का पूरा इस पर फेसबुक पॉलिसी मौजूद है उनके फेसबुक प्लेटफॉर्म पे और वेबसाइट पे। ये बात जो है मुझे उनके मार्केटिंग मैनेजर जो पेरिस में होते हैं जो मुझसे कनेक्टेड हैं उन्होंने बताया कि हमारा कंटेंट तमाम का तमाम मौजूद है, और जब वो ईमेल करते हैं मुझे तो बहुत सारी चीज़ें वो लिंक करके मुझे सेंड कर देते हैं, उसको लिंक करके मैं फिर स्टडी कर लेता हूं और आपके लिए वीडियोज़ बनाता हूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस तरह की वीडियोस को जो लाइक करें शेयर करें ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल भी एक अच्छी पोजीशन पे आ जाए और मैं आपके लिए मज़ेदार और फैंटास्टिक वीडियोस बनाऊं। आप अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो हमसे रब्ता ज़रूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें, हमारा एक एप्रिसिएशन मिल जाएगा आपकी तरफ से। टिकटॉक फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब तमाम चैनल पर हम मौजूद हैं। थैंक यू सो मच।